जनमंच की आजादी न्यूज चैनल के लिए मंजीत को। आज हम हल्का लाडवा के मध्य आने वाले गांव दौलतपुर में बैठे हैं, जहां पर जो सरपंच है मेहता सरपंच है, लगातार दो प्लान से वो सरपंच है, और राष्ट्रपति अवार्डी हैं। उनसे रूबरू करवाते हैं, उनकी उपलब्धियां आपको बताते हैं कि एक जो सरपंच होते हैं, जैसे लेडी सरपंच बन तो जाते हैं लेकिन वो एक डमी की तरह से होते हैं, ये सरपंच पूरी तरह से जागरूक हैं और अपने गांव के कार्य जो हैं खुद करती हैं और जागरूक महिला हैं, तो इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सरपंच साहब नमस्कार मैम। जी, क्या कहेंगे, कब से आप सरपंच पद पर हैं? जी हम पिछले प्लान से 2010 से हैं सर सरपंच के पद पे। दूसरी बार चुनाव लड़ने के बाद आप सरपंच घोषित हुए या सर्वसम्मति से? नहीं जी इलेक्शन से। इलेक्शन से। क्या क्या काम करवाए अब तक आपने अपने गांव में? हमने पिछले प्लान में सभी काम जैसे रास्ते पक्के सारे करवाए खेतों तक के हैं, लाइटें वगैरह का था, जोड़ खुदाई का था, शमशान घाट थे। पिछले प्लान में मैंने काफी काम करवाए, 156 प्लाट भी कटवाए, कॉलोनियां हर घर में शौचालय बनवाया, बहुत काम हुआ उस टाइम। और क्या कार्य आप करते हैं कि जिससे कि जो स्कूल में जैसे स्टूडेंट हैं वो और जागरूक बने और अच्छा उनको कोई एक्टिविटी सीखने के लिए मिले? हाँ जी मैडम, जैसे 26 जनवरी आती है, जो सबसे ज़्यादा लड़की पढ़ी लिखी होगी हम उसी से झंडा फहराते हैं भाई, ताँ जो दूसरी बेटियों को माँ बाप को भी ये होए भी हम अपने लड़कियों को आगे और बढ़ाएं और पढ़ाएं लिखाएं। और ऐसे ही 15 अगस्त को भी करते हैं और जिस तरह स्कूल से स्वास्थ्य अभियान या कोई ऐसे स्वच्छ अभियान, पानी बचाओ के बारे में बताते हैं उनको भी, पानी की बचत करनी है और गंदगी सफाई में कैसे करना है, कूड़ा नहीं खंडाना सड़कों पे, छोटी छोटी बातें उनसे पर्यावरण जागरूक के करते लिए हैं, ऐसा क्या पर्यावरण आप अपने ग्रामीणों को जागरूक करते हैं? उनको सफाई के बारे में सभी से बताते हैं भी गंदगी नहीं खंडाने से बीमारियां आती हैं। तो समय समय पर डॉक्टरों की टीम हम थाने से बुला लेते हैं, फॉगिंग भी करा देते हैं मच्छर वगैरह से। गांव को भी हर बारी बोलते हैं देखो गंदगी नहीं पानी, बिल्कुल सफाई रखनी है गांव में, और अपन सफाई करेंगे स्कूल में। अब टीचरों ने मेरे को बुलाया था, हमने कहा भी जैसे स्कूल में पानी का भी प्रबंध करवा दिया, वो बोलते भी सफेदी करवा दिया, वो ये करा दिया, स्कूल में काफ़ी काम करवा दिया जी सरपंच साहब ने हमारा। मैं कहा सर ऐसे करो भी जो बच्चे हैं इनको ना इंटे वगैरह हम देते हैं इनको लेके पंचायत की तरफ से, क्यारियां बनाओ साथ साथ रास्तों के पास पास, और उसमें जो देसी खाद अपन डालेंगे बच्चों को उनको भी पता चलेगा भी ये खाद कितनी ज़रूरी है आजकल, एग्रीकल्चर भी इसको तो देख कर रहे हैं। और दूसरी बात है इसके पेड़ भी लगा दो साथ साथ, पेड़ के ऊपर हर एक बच्चे का नाम हो जाएगा, क्लास का नाम, रोल नंबर हो जाएगा, उसकी तख्ती लगाएंगे तो पेड़ भी पलेंगे, आप उसको सम्मानित भी करेंगे जो भी हो 25 जनवरी इसको 26 जनवरी को, तो पेड़ भी पल जाएगा और गाँव स्कूल में हरियाली भी होगी और बच्चे भी जागरूक होंगे, है ना। गाँव में क्या से आप विकास कार्य करवा रहे हैं? अब देखिए अब ये यहाँ कम्युनिस्ट सेंटर आज निशानदेही होगी इसकी, तो इसकी तैयारी है, चलो ये चीज़ बन जाए। सभी आजकल जगह जगह नहीं है लोगों के पास है, जो गरीब जनता है पैस कैसे बुक करेगी, वैसे आम भी आजकल दिक्कत है जगह की, जगह नहीं रही है, तो पैलेस आज निशानदेही इसकी कर दी है, तो देखते हैं एमएलए साहब भी कुछ सहयोग दे रहे हैं, शुरू तो करवाया उन्होंने, बहुत अच्छे हैं एमएलए साहब भी। आपके गांव में ऐसे कोई विकास कार्य जो अब तक पेंडिंग पड़े हों? जी मैडम जो जैसे ओवरफ्लो जोड़ है इसकी 4 दीवारी करवानी है और पाइपलाइन दबाई जाए, हमारी जो नदी पेंडिंग पड़ी है पानी की निकासी के लिए, ये उसकी खुदाई हो जाए ना तो पानी की निकासी हो जाए, और जो ये हमने पिछले प्लान में जोड़ खुदवाया था उसकी 4 दीवारी के लिए
सरकार से गुजारिश करते हैं भाई अगर हमारे को और अनुदान राशि दी जाए तो हम और काम कर सकें। और जो बस्ती में ग्रामीण बस्ती है उनकी जो सड़कें हैं ना वो अभी काफ़ी पुरानी हो गई हैं बनाई, तो हम उनको भी बनाने चाहते हैं, नालियाँ और नीची हो गई सारी, तो उनके लिए भी थोड़ी राशि मिल जाएगी। कितनी जो राशि अनुदान राशि आपके गांव को मिल चुकी है अभी जो राशि आई है जो कम्युनिस्ट सेंटर के उसकी तो है 16 लाख जी। और गलियां और शमशान घाट है, सैनियों का शमशान घाट है, ये हमारा गांव वासियों का है, तो कुल मिला के इसकी 13 लाख इसकी है राशि जो पहले आ चुकी है। MLA साहब ने भी बहुत सहयोग दिया हमारे अभी तक देते ही आ रहे हैं, और भी उन्होंने बोला भी आगे भी सहयोग देंगे हम जैसा भी होगा जी। ये थे हमारे साथ सरपंच गुरदीप कौर, जिनसे हमने ये जानकारी ली कि उन्होंने अपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए और किस तरह से वो जागरूक लेडी हैं, तो एक जागरूक महिला होने के नाते वो किस तरह से अपने गांव के जो जनता है उनको जागरूक करते हैं, बहुत लड़कियों के लिए बहुत सोचते हैं, और जो इनके गांव के विकास कार्य हैं जो उनका सरकार से मांग भी है कि उन्हें और अनुदान राशि दी जाए और सहयोग दिया जाए MLA की तरफ से, तो उम्मीद है कि इनके गांव में और अच्छे विकास कार्य ये करवाएंगे। धन्यवाद। मैं मंजीत कौर, जनमंच की आज़ादी न्यूज़ चैनल से अपने सहयोगी पृथ्वी सिंह के साथ।